नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे YouTube चैनल JSR कलोंडा में। तो गाइस, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज का जो रंगारंग कार्यक्रम है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस वाले वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा, वरना बहुत सारे बंदे होते हैं जो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर लिखते हैं, भाई आपको खुद को एडिटिंग नहीं आता और हमको चले हो एडिट करना सिखाने। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वाले वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा। तो आज का दोस्तों जो वीडियो आपको मैं एडिट करके दिखाने वाला हूँ, वो वीडियो दोस्तों कुछ इस प्रकार से होने वाला है। इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो आपको वीडियो कभी स्लो मोशन में होता हुआ दिखेगा, कभी फास्ट मोशन में दिखेगा, और आपको बीच बीच में यहाँ पे फ्लैश इफेक्ट दिखेगा या फिर ब्लिंक इफेक्ट आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। डेमोस्ट्रेशन के तौर पर दोस्तों दो वीडियो में आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इन दोनों वीडियो को आप देख लीजिए। तो क्योंकि आज का जो वीडियो है दोस्तों मैं इसी के ऊपर बनाने वाला हूँ और इसी तरह से आपको वीडियो अपना जो एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो यार, इस तरह का वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको एक वीडियो का जरूरत पड़ेगा। मैं गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से चल के एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे अलग अलग पोज दिखा के एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लीजिएगा। शूट करने के बाद दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक की वजह से आपके भाई में वीडियो बनाने का जो एनर्जी है वो भर भर के आता है। बाकी चैनल पे अगर आप नहीं हो तो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी दोस्तों बिना किसी देर के चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन की ओर लेके चलता हूँ, देन आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से दोस्तों आपको इस प्रकार का जो वीडियो आपको एडिट करना है। दोस्तों इस तरह का वीडियो एडिट करने के लिए आज मैं VN ऐप का यूज करने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपके फोन में VN ऐप पहले से इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप प्ले स्टोर से दोस्तों VN ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आपको इसको ओपन करना होगा। जब आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे। अभी दोस्तों आपको नीचे में जो प्लस का मार्क दिख रहा होगा आपको इस वाले प्लस का मार्क पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे कुछ इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। देख सकते हैं साथियों, मेरे गैलरी में जितने सारे वीडियो हैं वो आपको यहाँ पर अभी शो हो रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका जो रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उस वाले वीडियो को आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट कर लेना होगा। देख सकते हैं साथियों, मेरा जो रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अभी दोस्तों आपको अपने वीडियो के लास्ट में जाना होगा। जाकर गाइस ये जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है आपको यहाँ पर पहले डिलीट कर देना होगा, ये तो आपके वीडियो के एंडिंग में ये चिपकाए रहेगा। अभी आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ में आना है। आने के बाद दोस्तों अपने दोनों हाथों के फिंगर की हेल्प से कुछ इस तरह से वीडियो को हल्का सा जूम कर लीजिएगा, इससे दोस्तों आपको यहाँ पे एडिटिंग करने में आसानी होगी। अभी आपको इस वाले वीडियो को स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन में बनाने के लिए आपको नीचे में यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं, आपको इस वाले स्पीड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार के आपके सामने एक लाइन में आ जाएगा। यहाँ पर गाइस आप मैनुअल आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो, या फिर गाइस आपके यहाँ पे देख पा रहे हो प्रीसेट आपको लिखा हुआ दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आपको यहाँ पे प्रीसेट दिया हुआ है, देख पा रहे हो। आप इन सारे चीज़ों का भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर दोस्तों फर्स्ट वाला जो प्रीसेट है इसको मैं यूज़ करूँगा तो गाइस वीडियो अभी कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देख सकते हैं। सेकेंड वाले को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो वीडियो अभी कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देख पा रहे हो। थर्ड वाले में कुछ इस तरह से, देन फोर्थ वाले में इस तरह से, मतलब आपको यहाँ पे देख लेना है। अगर आप प्रीसेट में ही आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको मैनुअल आपको यहाँ पे एडजस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यार मैं अपना आपको यहाँ पे मैनुअल में एडजस्ट करके दिखाऊंगा। तो यार सबसे पहले आपको यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप यहाँ बैक करके बाहर आइएगा। एक बार आने के बाद स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, देन देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको लाइन जो है एक स्टेट में आपको दिख रहा है। सबसे पहले ये जो डॉट्स सब है इन सब डॉट को आपको रिमूव करना होगा, सिवाय ये जो लास्ट सॉरी ये फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला छोड़ के ये जो तीनों डॉट है आपको रिमूव करना होगा। उसके लिए दोस्तों आप ये जो डॉट है इस पर आप लॉन्ग प्रेस करके रखिएगा। जैसे आप रखोगे कुछ इस प्रकार का रिमूव का एक ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। देख सकते हैं दोस्तों बीचों का जो तीनों डॉट है मैंने यहाँ पर रिमूव कर लिया है। अभी आपको अपने वीडियो को प्ले करना होगा। देन गाइस आपको अपने वीडियो में देखना है कि कहाँ पर आप स्लो मोशन में करना चाहते हो। अभी गाइस अगर आप देखोगे तो देख पा रहे यहाँ पे मैं जैसे दरवाजे से बाहर आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे स्लो मोशन में करूँगा, तो उस जगह मैं यहाँ पिक कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा। जैसे आप लाइन पे लॉन्ग प्रेस करके रखोगे कुछ इस प्रकार से ऐड पॉइंट का एक ऑप्शन आएगा, देख पा रहे हो। आपको दोस्तों यहाँ पे ऐड पॉइंट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, यानी एक पॉइंट आपका यहाँ पर ऐड हो गया है। तो यहाँ पर मैं स्लो मोशन में करूँगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ये जो डॉट है इसको मैं यहाँ पे नीचे तरफ में लाऊंगा, कुछ इतना में लाऊंगा। लाने के बाद मेरा जो वीडियो यहाँ पर थोड़ा मैं इसको फास्ट मोशन में करने वाला हूँ, तो जस्ट इतना मैं आऊँगा, देन यहाँ पे एक लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा, देन इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी
पकड़ना है, देन पहले आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, सॉरी आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखिएगा, देन ऐड पॉइंट को आपको करके इसको आप ऊपर आपको कर देना है। जैसे आप यहाँ पे यहाँ तक अगर आप वीडियो को प्ले करके देखोगे, देख पा रहे हो यहाँ पे पहले मेरा वीडियो स्लो मोशन में हुआ, देन फिर से फास्ट मोशन में हो गया, देन जस्ट इतना मैं आऊँगा यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूँगा, ऐड पॉइंट को सेट करके यहाँ पे वापस से मैं इसको यहाँ पे नीचे में इतना में ले आऊँगा। मतलब अगर आपको स्लो मोशन में करना है तो आपको नीचे में लाना होगा, ठीक है, और फर्स्ट मोशन में करना है तो आपको ऊपर तरफ आपको लेके जाना है। तो यहाँ पर गाइस मैं यहाँ पे वीडियो को ऐड पॉइंट करके यहाँ पे ऊपर तरफ कर दूंगा, इससे होगा क्या गाइस, वीडियो स्लो मोशन में सॉरी फास्ट मोशन में होगा। देन इस वाले पॉइंट में यहाँ पर जाऊँगा, ऐड पॉइंट को सेट करके इसको मैं वापस यहाँ पे नीचे तरफ में ले आऊँगा। देख पा रहे हो मेरा यहाँ पे किस किस तरह से मतलब वेब बन गया है, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो गाइस देख पा रहे हो वीडियो अभी कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। मतलब एक बार आपको यहाँ पे पहले आपको वीडियो नॉर्मल दिखेगा, देन स्लो मोशन हुआ, देन फर्स्ट मोशन हुआ, देन स्लो मोशन हुआ, देन फर्स्ट मोशन हुआ, देन स्लो मोशन, देन आपको फर्स्ट नॉर्मल आपका, ठीक है। आप यहाँ पर नॉर्मल को थोड़ा ऊपर भी आप रख सकते हो, मतलब एंडिंग का आपको फर्स्ट में आप इस तरह से आप कर सकते हो। इस तरह से आपका जो वीडियो है स्लो मोशन में यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। अभी आपको यहाँ पर ओके कर लेना होगा। ओके कर लेने के बाद साथियों अभी आपको फ्लैश इफेक्ट या फिर आप यहाँ पे सेक इफेक्ट अगर आप डालना चाहते हो तो गाइस सबसे पहले आपको अपना वीडियो को यहाँ पर प्ले करना है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से जो मेरा वीडियो यहाँ पर स्लो मोशन में हो रहा है, तो गाइस मैं करूँगा इतना ही, मैं पहले वीडियो को प्ले करूँगा। देख पा रहे यहाँ से मेरा वीडियो स्लो मोशन में है, जैसे मैं यहाँ पर बाहर आ रहा हूँ स्लो मोशन में हो रहा है, तो यहाँ पर मैं इतना में आऊँगा, देन स्पीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद वीडियो को मैं मुझे प्ले करना है, देन कुछ इस प्रकार से इतना ही मैं इसका ड्यूरेशन रखूँगा, देन स्पीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। अभी मुझे इस वाले पार्ट में यहाँ पर सेक इफेक्ट डालना है मुझे, तो उसके लिए आप फाइल पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पर एफेक्ट्स का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इस वाले एफेक्ट्स का ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये रहा आपको फ्लैश इफेक्ट, आपको इसको सिलेक्ट कर देना होगा। जैसे आप सिलेक्ट करोगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने वीडियो में इफेक्ट होगा। अभी अगर दोस्तों मैं अपना वीडियो को फर्स्ट से आपको प्ले करके दिखाऊं तो गाइस वीडियो अभी कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देख सकते हैं। अभी गाइस मुझे जहाँ पे दोबारा लगाना है फ्लैश इफेक्ट, तो उस जगह पे आऊँगा, देन स्पीड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, देन वीडियो को पार्ट को यहाँ पे पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ, देन फाइल पे क्लिक करके वापस से इफेक्ट्स में जाऊँगा और यहाँ पर मैं दोबारा से उसी वाले फ्लैश इफेक्ट को सिलेक्ट कर दूँगा, देन ओके मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। अभी लास्ट में गाइस मैं करूँगा पता है क्या, मैं यहाँ पर एक फ्लैश इफेक्ट डालूंगा, तो यहाँ पर मैं इतना में इसको रखता हूँ, देन यहाँ पे जाऊँगा इस वाले फाइल में, आप यहाँ पे एफएक्स वाले ऑप्शन पे जाइएगा, देन ये देख पा रहे हैं यहाँ पे व्हाइट आपको दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, देन आपको यहाँ पर ओके कर लेना है। लीजिए दोस्तों आपका जो वीडियो यहाँ पर फर्स्ट स्लो मोशन और सेक इफेक्ट और ब्लिंक इफेक्ट एक ही साथ में ऐड हो चुका है। अभी अगर मैं अपना वीडियो को प्ले करके दिखाऊं तो गाइस वीडियो अभी कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देख सकते हैं। तो यार इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप इस प्रकार का दोस्तों वीडियो एडिट कर सकते हो। अभी आपको इस वाले वीडियो को सेव करने के लिए आप इस वाले एक्सपर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, देन आपको यहाँ पे जिस भी एक्सपर्ट रेशियो में आपको अपना वीडियो को एक्सपर्ट करना है आप यहाँ पर कर लीजिएगा। यार उम्मीद कर रहा हूँ आज का जो वीडियो का ट्यूटोरियल है आपको कम्प्लीटली समझ में आ चुका है। फिर भी अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपका कुछ भी सवाल हो तो आप मेरे वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाकर बेझिझक पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो वीडियो का डिसलाइक कीजिएगा। बाकी चैनल पे अगर आप नए हो तो भाई के चैनल है यार, सपोर्ट करना तो बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, बाय बाय, टाटा, नमस्कार।